झांसी में जानलेवा हमले के आरोप में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दो छात्रों समेत 6 अज्ञात के खिलाफ नाबाबाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। घायल सीनियर छात्र जूनियरों पर फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। पहले पुलिस जानलेवा हमले की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने को राजी नहीं हुई, लेकिन सीनियर छात्र इन्हीं धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराने पर अड़ गए। मंगलवार देर शाम तक छात्र इस बात को लेकर हंगामा करते रहे। आखिरकार पुलिस को उन्हीं धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने पर मजबूर होना पड़ा। पुलिस अफसरों के मुताबिक फिर से सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की जाएगी। मामला सही न होने पर विवेचना के दौरान यह धाराएं हटा दी जाएंगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के MBS छात्र साहिल सिंह ने कल पुलिस को बताया था कि VU के छात्र ऋषि साहू एवं उमेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर रैगिंग की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी छात्रों ने उसके साथ मारपीट की, उसके बाद सीने से तमचा सटाकर गोली चला दी, लेकिन फायर मिस हो गया। आरोपी छात्रों ने उसे एक और उसके भाई को बुरी तरीके से मारपीट कर घायल कर दिया। SP सिटी ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि छानबीन के दौरान फायरिंग की बात गलत निकली, मामले में विवेचना कराई जा रही है। झांसी से राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।